कार्यक्रम प्रस्तोता श्याम सुंदर के नमस्कार। समसामयिक विषय वस्तु में बहस करब नेपालक वर्तमान राजनीतिक अवस्था, जारी गतिरोध संगे देश में देखल गेल संकटपूर्ण अवस्था, जारी मधेश आंदोलन सहित विभिन्न संदर्भ में हम सब बातचीत करब। ए विषय में बातचीत करे के लेल हमरा सबके स्टूडियो में आबि गेल छथि एक गोट विशिष्ट व्यक्तित्व, जे कि सद्भावना पार्टीक राष्ट्रीय महासचिव मनीष सुमन जी छथि, जे कि मधेश के मुद्दा के मधेश के विषय वस्तु के बहुत मिहीन ढंग से विभिन्न संचार माध्यम सब में उठबैत आबि रहल छै। एकटा जोरदार रूप में अपन प्रस्तुति के मधेश के उपस्थिति के मधेश के सवाल सब के उठबैत आबि रहल छथि, हमरा सबके स्टूडियो में आबि गेल छथि। सबसे पहले उनका हम सब स्वागत करे साहब आजुक रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में, स्वागत है अपने के। धन्यवाद श्याम सुंदर जी। जी श्रोता, हम सब स्वागत कर चुकल छी कार्यक्रमक अतिथि पाहुन के। कनी देशक वर्तमान राजनीतिक अवस्था के विषय में चर्चा कयल जाय तो एक दिशन चुनावी माहौल के ढोल पीट रहल अछि राज्य पक्ष अर्थात सरकार पक्ष द्वारा, आ दोसर पक्ष कही तो जे कि सीमांतकृत वर्ग, मधेशी, शोषित, उत्पीड़ित लगात, आदिवासी, जनजाति लगात के समुदाय सब एखनो आंदोलन में अछि। देश के आधा हिस्सा जे कि 51% से आधा भूभाग रहल मधेश के जे जनता छै ओ एखनो आंदोलन में छै, और कहि त आंदोलन के क्रम में एखन जे पिछला समय जे आंदोलन भेल छै करीब 6 शहीद सब के शहादत भ चुकल छै, एहि तरह के अवस्था छै बिके लिए। मनीष जी, चर्चा हम करे चाहब एखन राज्य पक्ष अर्थात सरकार चुनाव के माहौल के नाम में ढोल बजा रहल छथि, अपने सब आंदोलन के निरंतरता दे रहल छै, कतय जा रहल छै नेपाल के राजनीति? राज्य के द्वारा एते टा के भ्रम नेपाली जनता में नहीं फैलेना चाहिए। राज्य के एते अधिकारो नहीं छै जे नेपाली जनता में भ्रमित करतै। कोनो प्रकार के निर्वाचन नहीं हो रहल छै श्याम सुंदर, एकदम झूठ छै, हरेब छै, गलत बात छै। सरकार के अपन सत्ता टिकवे के लिए सारा दुनिया के मालूम छे, प्रचंड जी और शेर बहादुर देवा जी के बीच श्रावण 19 गते इस सरकार निर्माण के क्रम में की कहे 2074 मार्च 7 तक के एक टारगेट बनाकर 9-9 महीना के सत्ता बांट फाट भेल रहे, जे 9 महीना चैत में बीते छै। प्रचंड जी के चैत के जगह पर बैसाख 31 गते तक के एक ग्रेस टाइम भेटले है, और अपन ग्रेस टाइम के खातिर प्रचंड जी चुनाव के एते टा के हवा फैला रहल छै, चुनाव किछो नहि भए रहल छै। निर्वाचन आयोग के 13 अरब रुपया देल गेलै है, जे 13 अरब रुपया ओ गोमलांग खेते, भ्रष्टाचार हेते, स्टेशनरी के नाम पर, आके संचार माध्यम में विज्ञापन के नाम पर, प्राविधिक काम सब के नाम पर, मत पत्र हेलीकॉप्टर से पहुंचावे के नाम पर, ऐ सब के नाम पर 13 अरब रुपया के भ्रष्टाचार करे के लिए जे एकटा बाट खुललै है, निर्वाचन आयोग लुटते उनकर आयुक्त सब धनी खेते। मुदा कहल जाय छै जे सुरक्षा परिचालन क के अर्थात नेपाली सेना तक परिचालन क के 3 श्रेणी के सुरक्षा परिचालन कयल जेतै, मतदाता के घर धरि के सुरक्षा देल जेतै, एहि तरहक बात सब कहि रहल छै। की बुझाय अपने के विचार में जे सुरक्षा कर्मी परिचालन क के मधेश में निर्वाचन भ सकै छै? कतौ निर्वाचन नहि हेतै, वएह कहै छै, मधेश में तऽ खैर नहिये टा करा सकते, कतौ निर्वाचन नहि हेतै। नेपाली सेना के काम, नेपाली सेना के प्रति हमर सबके उच्च सम्मान छै, बहुत ही गर्व छै। नेपाली सेना के अब एक टा काम नहि रहि गेलै निर्वाचन में बक्सा उगेर के रहते, भरि बात पकड़ने रहते। पिछलो बेर नेपाली सेना विवादित भेलै निर्वाचन के परिणाम जब एलै, सब ओकरा आरोप लगेलकै जे नेपाली सेना ओहिमे धांधली केलकै, स्वयं प्रधानमंत्री प्रचंड जी ओकरा पर आरोप लगेलकै। ताहि दुआरे नेपाली सेना के आग्रह करबै हमसब एहन दुष्कर्म में ओ सहयात्री नहि बने। निर्वाचनो आयोग के हमसब आग्रह करबै, काल्हि खन पूरे देश में हमसब निर्वाचन आयोग के घेराव केने रहिए, और एक प्रकार से घेराव मात्र केने रहिए, आब कनिक दिन बाद अनिश्चितकालीन ताला लगा देबै, जे खोलते ओकरा फिर प्रतिकार हेतै। ताहि दुआरे अनिश्चितकालीन ताला लगा देबै, काल्हि आग्रह केने रहिए जे निर्वाचन भ नहि रहल छै, अहाँ सब कुकर्म के पछाड़ नहि रहू। आब अहाँ के जिज्ञासा हेतै जे निर्वाचन किया नहि भऽ रहल छै, एकर एकटा सबसे बड़का कारण छै, सबसे बड़का कारण छै वर्तमान प्रचंड जी के एकेटा जनता जनादेश देने रहे। प्रचंड जी के सरकार से हम सब या आम नेपाली जनता, पहाड़, हिमाल, मधेश, कतौ रहे वाला नेपाली जनता कोनो बड़का पुल बना देते, वैदेशिक रोजगार में जाय वाला के रोक के नेपाले में रोजगार देते, कोनो बहुत बड़का शिक्षा में प्रगति करते, देश के आर्थिक उन्नति करते, एहन कोनो नेपाली जनता ओकरा से कल्पना नहीं केने रहे। एकटा और एकटा बस आस केने रहे नेपाल के संविधान 2072 जे अधूरा और अपूरा छै, जे के प्रति आम नेपाली जनता के स्वामित्व और अपनत्व नै छै, ओहि में स्वामित्व और अपनत्व अपनाबे वाला काम करते। प्रचंड जी के एकटा और एकटा मात्र अहाँ के जनादेश रहे, लेकिन प्रचंड जी की कलके अपन पूरे 9 महीना कार्यकाल में एकटा अपूरा, अधूरा, कंजूसियाई पूर्ण संविधान संशोधन विधेयक बनेलकै, जेकरा एक बेर धरता
एक बेर टेबल और एक बेर अहाँ के 72 दिन में आता का थप संशोधन। तीन टा प्रक्रिया बाहेक पिछला तीन महीना से किछ नहीं कल के, अर्थात ओहो में अघोषित रूप से निष्क्रिय और थाती रख दल के मधेश में तो तहि द्वारे निर्वाचन रहते। पहाड़ और हिमाल में से हो नेपाल के संविधान के धारा 56 के 4 के विपरीत स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग के काम कैल गेल और अप्राकृतिक एकटा जे देल गेल छे ओहि खातिर पहाड़ और हिमाल में निर्वाचन नहीं भ रहल छे। आ देखने में श्याम सुंदर जी, दारचूला में जुलूस निकलले ए स्थानीय तह के विरुद्ध में, आके रुकुम में जुलूस निकलले स्थानीय तह के विरुद्ध में, नुआकोट में तो रामशरण महत पर लाल जूता फाड़ भेले, गोलियो चलले। अहाँ के की लगे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा राजे विराज से बैसल बैसल दारचूला नुआकोट की कहे छे बाजुरा खोटांग ऐसे में जाकर आंदोलन कर दलके, नहीं आके मन में वितृष्णा छे हमूर लोकतांत्रिक आंदोलन मधेश आंदोलन और अ देश में अपन बुद्धि से होय वाला जत्ते आंदोलन छे हमर उमेर होत में सभी आंदोलन में सहभागी आदमी छे, अहू सहभागी छे श्याम सुंदर जी, हमू अहाँ के गवाह छे श्याम सुंदर जी के पत्रकारिता के म्याद सब देखला बाद सब अपडेट छे। हमरा एकटा बात अहाँ हमर प्रश्न के जवाब दिया, राज्य के पुनर्संरचना होना चाहिए, देश में संघीयता होना चाहिए, ई बात हरेक आंदोलन में उठल एकदम, लेकिन स्थानीय तह के पुनर्संरचना होना चाहिए ई कौन आंदोलन में उठल रहे, कतह के मांग छे, कौन 6 बूंदे 3 बूंदे 12 बूंदे 4 बूंदे 8 बूंदे में ई उठल बात छे, कतह के जनता ई बात उठेने छे, उठेने तो नहीं रहे, एकर सीधा और सीधा एक कारण छे। फिर ई मधेशो के और पूरे देश के केना पहाड़ी तंत्र बनाएल जेतै, अपन अपन अनुकूल के निर्वाचन क्षेत्र केना बनाएल जेतै, हमर बहु बेटी बेटा बेटी केना निर्वाचित हेतै, हम मात्र केना राज्य संचालन के सत्ता पर पहुंचल जेबे, ई कुचित मनसाई के साथ स्थानीय तह के पुनर्संरचना भेलै, नहीं तो ई कतकरो डिमांड नहीं रहे, सामान्य हेतै जे हमर गाम के नगर पालिका बना दिया, लेकिन हमर वार्ड के नामे चेंज कर दियो, हमर गाम के अहाँ एड्रेसे पता अलग कर दियो, नागरिकता में लिखल छै की कहै छै गावी से गोबरगाढ़ा, आ ओकर बाद आब भ गेलै ऊ नहि तोहर नाम गोबरगाढ़ा नहि रहि गेलो फल्ला भ गेलो, ओहिमे लिखल छै वार्ड नंबर एते आ भ गेलै, ई सब गंजागोल करे के कारण इएह रहै, हमरे आधिपत्य हमरे समुदाय हमरे जाति केना राज करते, ताहि दुआरे निर्वाचन अप्राकृतिक तरीका से शुरुआत कयल गेल छै। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग के प्रतिवेदन एकदम घातक छै, सिर्फ मधेश के लेल नहीं पूरे देश के लिए, इस संविधान के कार्यान्वयन हम सब तो होइए नहीं देबे, जे संविधान के मनीष कुमार सुमन आग लगा देलकै, जे संविधान के विरुद्ध में हमर 5 आदमी सिर्फ संविधान जारी करे के दिन मरले, हिफाजत मिया के द्वारा गोली मार देल गेले 12 में, क्या की हिफाजत मिया के जे संविधान में मर अधिकार लिखा दे, दिलीप शाह के द्वारा गोली मार देल गेले क्या की सड़क पर चित्कार लगा रहा छले जे संविधान में तू हमरो स्थापित कर दे, हमरो बेटी के हमरो बेटा के नागरिकता के तू पहचान दे, जेकरा 45 से बेसी सखा के गोली मार कर आधा मधेश में कर्फ्यू लगाकर दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर कर लोग के घर से निकल नहीं द कर जबरदस्ती जारी कल संविधान के नेपाली जनता मानने ले तैयार नहीं जी, नेपाली जनता मानने ले तैयार नहीं छे। चुनाव के हम संदर्भ जोड़े चाहे छी, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा बहिष्कार में छे, चुनाव के विरुद्ध में छे, मुदा नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी सहित के जे पार्टी सब छे ओ सब भितरे भितरे चुनावी माहौल बना रहल छे। जेना आइए जानकारी भेटले किछु देर पहिने जे राजविराज वार्ड नंबर 7 में नेपाली कांग्रेस चुनावी अभियान शुरू कर रहल छे, एकरा कोन रूप में लऽ रहल छी, एक दिस मधेश मधेशी जनता आंदोलित छे, आखिर चुनाव के माहौल में जाय वाला चुनाव के माहौल बनवा वाला सेहो मधेशी छे। केना छै श्याम सुंदर जी, हमर किशोर कुमार यादव केसी छै ने विद्यार्थी मंच के अध्यक्ष, रोड पर चलत रहै छै लोग साइकिल पकड़ के रोक लै छै कहै छै काका हो परना, हमर पार्टी के नेता सब छै ने केकरो घर बियाह भेल ने नहियो बजे नै रहल तऽ ओ जा कऽ ओकर बेटी बियाह में ओ खाना परसै से लक पत्ता फेंके तक काम करै छै, हमर पार्टी के साथी सब कोई मरि तरि गेल ने नहियो बजेने रहल तब कटिहारी में गेला मांस लगे खोचार खोचार के लाश के चढ़वे छे, आ कभी कृत सब किया करे छे पागल तो नहीं छे, इस सब के कारण यह छे राजनीति में लागे वाला हरेक कार्यकर्ता अपन प्रतिदिन के दैनंदिन काम निर्वाचन मुखी करे छे, सद्भावना पार्टी के सांगठनिक काम लिया या संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के आंदोलनरत काम लिया या हमर सब के जनसेवा काम, एते नेता सब के देखे झूठे जाकर अदालत में गवाहियो दे दै छे, सरवा बरवा नौकरी चाकरी फलना चिलना एडमिशन बीमारी देह से खून निकल निकल अस्पताल में सब उन्मुख रहे छे निर्वाचन में, एकर कहियो कोई कोनो पैसा नहीं दे छे, सेवा के एक टा अपेक्षा रहे छे एक दिन एई मुल्क में निर्वाचन हेतै और ओहि निर्वाचन में हम जेकरा अखन खून देने छे ओ अपन मतपत्र में स्वस्तिक लगा कर हमरा पक्ष में बक्सा में डाल देते, ताहि दुआरे राजनीतिक दल के हरेक काम निर्वाचन मुखी रहे छे, सैनिक लोकतांत्रिक मधेशी नेपाली कांग्रेस तो कहने है छे कांग्रेस चुनाव है देखे लेते 7 वार्ड अनेक दिन बाद ओकरा सब ओहो जाय लाम सब बंद करबे, ताहि दुआरे अहाँ के ई निर्वाचन मुखी रहे छे,
हमारा आगे सबसे बड़का दोष की छह एहन मुल्क में पैदा हुई जत आवधिक निर्वाचन नहीं हुई भारत 68 साल बाद इतने मजबूत लोकतंत्र के घोतक है तेकर कारण यह आवधिक निर्वाचन फलना रहते कि नहीं रहते से नहीं मालूम लेकिन 2019 में तो लोकसभा के निर्वाचन हेतु अखने से लोग के बुझल लेकिन हमारा अहा के मुल्क में किसी निर्वाचन नहीं हो 2054 के बाद आई 20 वर्ष करीब करीब 19 वर्ष बाद स्थानीय तह के निर्वाचन के चर्चा शुरू हो गई हेतु नहीं आवधिक निर्वाचन नहीं होने लोकतंत्र के कमजोर होने के बराबर है हमारा अहा के मुल्क कमजोर के वह कारण है निर्वाचन तो होना चाहिए बहुत निक है लेकिन की निर्वाचन भ रहा है इस संविधान 2072 के कार्यान्वयन भ रहा है और संविधान 2072 में जब तक मधेशी आदिवासी जनजाति महिला मुस्लिम किसान अल्पसंख्यक अपन अनुहार ने देख लेते अपन आधिपत्य ने साबित देख लेते अपन अधिकार लिखल ने पढ़ लेते तब तक निर्वाचन नहीं हेते संविधान कार्यान्वयन के होय वाला हरेक काम नहीं हेते अहा के निवेदन करी श्याम जी निर्वाचन मात्र संविधान के कारण बनता नहीं है जे प्रकार संविधान कार्यान्वयन के बहुत चिंता है उ किया ने संविधान के धारा 74 के 9 कार्यान्वयन कलके जे लिखल छे मंत्री परिषद को आकार 25 सदस्य होने छ लेकिन अ मुल्क में संविधान जारी भेला के बाद दुईटा मंत्री परिषद बनले दुनू के आकार 43 और 45 सदस्य छे प्रधानमंत्री जी भेटे छे पूछे छे जे 74 के 9 पढ़ लिए कहे छे त्यो त संघीय संसद आए पछि अपना होय त अपना अनुकूल में परिभाषा करे छे प्रतिकूल व्याख्या करत रहे तहिना अ संविधान के धारा 40 धारा 38 धारा 42 धारा 43 के 1 यो सब कार्यान्वयन करना जिम्मेवारी छे ओहि में लिखल छे अब अ मुल्क में होय वाला हरेक काम समानुपातिक समावेशी के रूप से चयन प्रक्रिया है कि न्याय परिषद के सिफारिश के 80 जना न्यायाधीश समानुपातिक समावेशी छले कि 18 टा राजदूत समानुपातिक समावेशी छले सबके ग्रो दर दिया फलना चिलना बेटा बहु पिए ई सब रहे जब अपना अनुकूल होय छे तो फिर धारा 42 सब छोड़ दियो जब प्रतिकूल होय छे तो नए संविधान कार्यान्वयन तो होने पड़े अहिना धारा 56 के 4 जेमे लिखल छे स्थानीय तह पुनर्संरचना के पुनर्संरचना जे विशेष स्वायत्त और संरक्षित क्षेत्र सहित के हेतु जनसंख्या के आधार पर हेतु लेकिन की यहाँ के लागे 741 टा जखन स्थानीय तह कायम कयने छे बालन शर्मा पौड़ेल के आयोग और बाद में छेड़खानी कर के यहाँ के नेपाल सरकार की उ समान जनसंख्या के आधार पर छे जब नहीं छे और सब जगह कार्यान्वयन के चिंते ने आ निर्वाचन में कार्यान्वयन के चिंता भेटल रे मातृका जी हमरा प्रधानमंत्री लग कहलिए हो मातृका दाजू समझावे नहीं चाहिए पुष्प कमल के भर देश हमू सब घूमे छे मेची सब महाकाली हम तो मधेसिया छे मधेसे में घूमे छे तू पहाड़ी पार्टी में छ तू पहाड़ो हिमाल जाए थे कतौ जीतता तोहर माओवादी कोनो गाम ताम में जब जितबो नहीं करता आ संविधान कार्यान्वयन के नाम पर जबरदस्ती क्या चुनाव लगे छे मातृका दाजू कहलके तुहो समझाव न अर्थात प्रचंड जी नहीं समझ रहा जी एक और महत्वपूर्ण बात है खास करके संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा संगे वार्ता बहस सफल भ रहा है अपने खास करके देखे आ रहा हम सब जे वार्ता में सहभागी हुई छी मूल मुद्दा कत जा कटके छी एक समाधान के उपाय की भ सके छी जे अहाँ सब चुनाव में जाए संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के इतिहास 9 वर्ष पुराना छे सद्भावना पार्टी एकर जनक छे हमी सब एक गठन केने रही राजेंद्र महतो जी और उपेंद्र यादव जी सबसे पहले संयुक्त मधेशी मोर्चा कालांतर में तमलोपा ज्वाइन के अलावा संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा पर अखन तक चल रहा है हम अब 9 वर्ष के ऐसे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के तकरीबन 90% बैठक में सहभागी हरेक क्रियाकलाप ओकर सचिवालय में हमर अनुभव में मोर्चा अपन जीवन के सबसे लचक मोड़ पर हमरा तो हमर नेता सब सिखेने रहे मुल्क में 75 सीडीओ में से 38 सीडीओ मधेशिया है मोर्चा गठन होय काल हमरा तो हमर नेता सब सिखेने रहे 90,000 सेना में 45,000 सेना मधेशिया है हमरा तो हमर नेता सब सिखेने रहे जे संघीयता एहन हेतै जे में मुद्रा विदेश नीति राष्ट्र सुरक्षा तीने टा संघ के अधिकार रहते अर्थात केंद्र के अधिकार रहते बाकी सब अधिकार तोरा गांव में तोहर पुल तू ही पैसा उठाबिये तू ही बनाबिये लेकिन आप देख लिए बहुत लचक लचक भक अखन चल गेलै जम्मा जम्मी 4 पॉइंट पर एकटा पॉइंट छै भाषा जै के बारे में मोर्चा के कथन छै सरकार जे संशोधन डालने छै ओहि में लिखने छै अनुसूची में रखने छै भाषा लाए हम सब कहै छी जे नै हम अपन मातृभाषा में अपन जन्म ठाम पर कम से कम निवेदन दे सकी अर्थात सरकारी कामकाज के भाषा होना चाहिए मातृभाषा दोसर छै राष्ट्रसभा जे राष्ट्रसभा के ऊ सब समान जनसंख्या के आधार में होने छै तब तक स्वीकार कलके लेकिन हम सब कहने छियै जे नै स्थानीय अथी छै की कहै छै मतदाता सब छै निर्वाचक मंडल में ओकरा राष्ट्रपति और राष्ट्रसभा के उम्मीदवार के मतदाता से डीलिंग कर दियो तेसर छै अहाँ के नागरिकता नागरिकता तो पढ़ने नहीं छै ई सब नागरिकता के बारे में सब लिखने छै जे और को मुलुक में नागरिकता परित्याग को प्रक्रिया चलाए में
संघीय कानून अनुसार दिइने छ हम सब कहै छियै जे रे कनी पढ़ि ले जी जी छै कि भारत में बहुते कर कुटुम रहै छै भारत में एकैटा नियम छै किसी दूसरे मूल का नागरिकता लेते ही आपकी इस मूल की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाए प्रक्रिया तक्रिया चल के नागरिकता खत्म नहीं हुई जी जी लेकिन इस बात सिखबै छै जे नै अहाँ अथी दियो प्रक्रिया चलबै तऽ नागरिकता खत्म आ जेतै हम सब कहै छियै जे नै कोनो कानून तानून नै ली जी हम जकरा विवाह करी हमरे हम देखै छियै खाली जे मदेशिये सब बिहार में जी जी आइकल पर्दिया पर्नी सब सेहो आके इंग्लैंड अमेरिका में बड़ बिहार करै छै ओकर उम्र ध्यान नै छै हम सब कहै छियै अगर अब तक कोई ककरो विवाह करै छै तऽ ओकरा सहज ढंग से वैवाहिक अंगीकृत दियो वैवाहिक अंगीकृत के बारे में फिर कहियो बात करब हमसब तो कहै छियै ओकरा वंशीकृत दियो दियो एहन सामान्य संशोधन पर सैनिक लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा अपन 9 वर्ष के इतिहास में सबसे लचक भकेले जी जी तो वो सरकार कहै छै नै हम जे देख लिए हमर जे अनुभव छै प्रचंड जी सेहो उस समुदाय के व्यक्ति छथिन जी जी और सभी नेता वह समुदाय के व्यक्ति छथिन बात कतबो लंबा करै छै जमीर जागै छै और जमीर ओकर वह कहै छै जे नै अगर एकरा सबके अधिकार बदल जतो तो तू जे ते हाथ भरि देह में कपड़ा पहिरे छी तोहर बेटा के आधा कपड़ा भेटत आधा दे नंगे रहत ओकर चेतना कहै छै तू जे भरि थारी भात खाइ छी तोहर संतति के कखन आधे थारी भेटतो और तोहर संतति भूखे रहतो बस वह अपन संतति के नंगा और भूखा कल्पना में देखै छै और ते द्वारा अधिकार दै छै जी और एकटा महत्वपूर्ण बात छै जे अपने सब के जे बात उठा रहल छी अहाँके मुद्दा सब उठेलियै खास करके मूल मुद्दा ई सीमांकन के मुद्दा छै एकरा आयोग बना के समाधान कयल जा सकै छै और मुद्दा सब में और विषय सब में सहमति भ सकै छै एकरा आयोग बना के या तत्काल जे छै एकरा अलग राखि के अपने सब चुनाव में जेबे कि नै जेबे एकटा महत्वपूर्ण सवाल जनता के बीच से उठ रहल छै श्याम सुंदर जी हम तखन निवेदन केलहुँ हमर साथी सब करै वाला दैनन्दिन काम शुभकामना पार्टी के सांगठनिक हरेक गतिविधि निर्वाचन उन्मुख होइ छै ते दुआरे हम सब निर्वाचन में जाइसे कहियो डराई नै छी जी जी जेना खने माले कांग्रेस वाला सब कहै छै जरे डराई छी से डराई तराई नै छी जे हिम्मत हमर सब में निर्वाचन परिणाम जनता के हाथ में छै जनता जनार्दन छै जे करते से हेतै रहलै अहाँ के संघीयता वाला बात संघीयता के बाद के अखन के जे प्रस्ताव छै ओ छै अहाँ के संशोधन विधेयक में 5 नंबर प्रदेश बाट 4 जिला अरगा खाँची गुलमी पाल्पा और एक कोन जिला छै पर्वत साइड जो 4 जिला के डीलिंग करे के मात्र बात छै ओकरा सब के दोसर जिला में दोसर प्रदेश में टाइल का और नवलपरासी से बर्दिया तक के एक का 5 नंबर प्रदेश बना दे के प्रस्ताव अखन संशोधन के लेल प्रस्तावित छै हम सब त ओके प्रति हार्दिक नहीं है छिए हम सब सैनिक लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के सांसद सब संविधान संशोधन विधेयक पर थप संशोधन विधेयक दत्ता के नीचे सबके मालूम है हम सब कहने छे जे नहीं हमर आंदोलन हमर शहादत सिर्फ 5 नंबर प्रदेश के 3-4 जिला के डीलिंग करे से नहीं रहे हमर शहादत झापा मोरंग सुनसरी कैलाली कंचनपुर सहित के मधेश के रहे मधेश में 2 प्रदेश के रहे सीधा रहे झापा से लगकर चितवन के 12 गांव अर्थात राष्ट्र निकुंज तक के 1 प्रदेश नवलपरासी से लगकर कंचनपुर तक के 2 प्रदेश के बीच में रहे अखन के संविधान संशोधन विधेयक से के प्रस्तावित बात सब बेहतर एटा प्रस्ताव सम्मानीय प्रधानमंत्री प्रचंड जी हमरा सब के सुने सुने में बड़ा कर्ण प्रिय लागले हुनकर सुनायल कुछ एहन रहे एकटा एहन संघीय सीमांकन आयोग बनते जे अखने के नेपाल के संविधान 2072 के धारा 91 में से लिखल छै 91 या 94 में छै तऽ ओ अहाँ के की कहै छै संघीय सीमांकन आयोग बनते ओकरा 2-3 काम देल जेतै एकटा काम देल जेतै संघीय सीमांकन आयोग ले विगत में संविधान सभा अंतर्गत को राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति को स्रोत बाँट फाँट समिति ले दिए को प्रतिवेदन को आधार में 2 में लिखल जेते मदन परियार जी को नेतृत्व को राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोग को प्रतिवेदन को आधार में 2 लिखल जेते 3 लिखल जेते आंदोलनकारी हरूले विगत में गरिएका राज्य संघ को समझौता को आधार में राज्य को सीमांकन निश्चित गरिने छ 1-1, 2-3 ड्राफ्ट हमी केने रहेछ ताके तेन लिखल जते ओकर बाद उकल जते संघीय सीमांकन आयोग लाई प्रभाव पार्ने नेपाल को संविधान को धारा 274 को उपधारा 4, 5, 6, 7 लाई खारेज गरिने छ 3 में लिखल जते नेपाल नेपाल ये की कहै छ संघीय सीमांकन आयोग ले दिने रिपोर्ट अंतिम हुने छ त्यो सबैको लागि मान्य हुने छ ओकर बाद लिखल जेते से संघीय सीमांकन आयोग ले भविष्य में होने कुनै पनि निर्वाचन भन्दा पहिले वा 3 महीना भित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ देखबै त प्रचण्ड जी के सुनबै त तते मजबूत लागै छ नै
चाहे पाँच नंबर प्रदेश के आधा कुधुरा कचरा कचरा लखत सब वह आयोग निकला है लेकिन भीतर आत्मा सब कहे कोई ईमानदार नहीं है केकरो संज्ञता नहीं चाहिए वो सब संज्ञता दे में उतनी पीड़ित है जते कौन शमशेर राणा त्रिचंद कॉलेज बना के पीड़ित रहे त्रिचंद जगह बना दिल के लाग ले जा रो बाप तो सब पढ़ ले तोरे तहिना संज्ञता दे देवे जते तब सबके अधिकार भेट जे तोरे तहिना पीड़ित छे दै के इच्छा मिले छे समष्टिगत रूप में जी समष्टिगत रूप में अपने सबके मांग जाधर संबोधन नहीं हेते ताधर चुनाव में जाके कोनो बात नहीं छे चुनाव में नहीं हेते तब चुनाव में नहीं लड़बे न चुनाव होबा देबे बड़ी क्लियर कट बात छे जे चुनाव लड़ते बक्सा के डाह देबे बक्सा में ईंक खसा देवे जे निर्वाचन में सब आ गए तो आप दंडित करबे गजेंद्र बाबू सीखेने रहे एक टा काल में थप्पड़ मारते तो दोसर गाल पसार दिए पूछे ला बिसर गए जो दोसरो में मारते तब की करिए गजेंद्र बाबू चल गए ऊपर आप हम सब कहे छे जे आप अनुरोध करे छे निर्वाचन नहीं करा नहीं करा पहले संशोधन कर संशोधन केने बिना जे निर्वाचन जबरदस्ती कर दे तो बक्सा के की करबे मारबे लात तोड़ देबे फोड़ देबे जी अही संगे एकटा और प्रसंग जोड़े चाहे छी किछ जे एखन आके म्यादी प्रहरी के भरना खुजल छे ओमे देख रहल छी मधेशी युवा सब के व्यापक सहभागिता से हो रहल छे कतेको युवा सब से जे बात करे छी तो ओ कहि रहल छे जे सरकार के पैसा आबि रहल छे त हम सब छोड़ब किया कहि के हमरा सब के उद्देश्य जे छे उद्देश्य प्राप्ति में हम सब लागबे करबे ओहु तरह के बात उठ रहल छे श्याम सुंदर जी सबसे पहले तो एकटा तथ्यांक अपने पोस्ट कर लिए जी जी 2068 के जनगणना में 1 करोड़ मधेशी बसोबास करे वाला जगह के मधेश कहे छे जी जी उ जनगणना पुरान भ गेले अब और कनिक नजदीक आबि के देखू त हमरा लागै छै शायद 1 करोड़ 20-25 लाख जनता बसोबास करे वाला के जगह के नाम मधेश कहै छै मधेश में सब एके मत के हेतै जे मोर्चा कहते सेहा करते तेहन नै छै एकरा जोड़िया म्यादी प्रहरी से 45 वा 50 दिन के नौकरी में तकरीबन 45 वा 50 हजार रुपया भेट रहा है प्रतिदिन के 1000 भेट रहा है बेरोजगारी के बड़का समस्या है म्यादी प्रहरी में कोई भरना बजते तो निर्वाचन बजते वाला बात नहीं है लेकिन भरना बजे तो तलब तो उठा कर पटेक कर लेबे निर्वाचन आयोग से 13 अरब रुपया मुल्क के निर्वाचन करबे के नाम पर दुरुपयोग करे ला जा रहा है ओकरा से अगर कुछ मधेशी युवक म्यादी प्रहरी के नाम पर अपन पारिश्रमिक लेते तो अन्यथा तो नहीं हेते ते द्वारे हम सब गंभीर छे हम सब बहुत निकटे भविष्य में आग्रह करे वाला छे म्यादी प्रहरी वाला काम के सेहो डिस्टर्ब कैल जाए यद्यपि अखन तक ठोस निर्णय नहीं भ सकल हम व्यक्तिगत विचार रख लो जे राज्य के ढुकुटी में से जब प्रमुख आयुक्त आयुक्त जी लुटि रहल छथिन तो हमर चारटा भाई से पारिश्रमिक के नाम पर 45,000 उठेते तो कोनो अपराध नहीं हेते एकदम चर्चा परिचर्चा में हम सब बहस कर रहल छी सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष सुमन जी संगे बातचीत के सिलसिला जारी रहत मुदा अपने सबके जानकारी कराबे चाहब जो अपने सबके कोनो जिज्ञासा अछि अपने सब राखि सकै छी 9812-32-56 में नंबर एक बेर फिर 9812-32-56 में टेलीफोन कऽ के अपन जिज्ञासा राखि सकै छी बस मुदा एगो जिज्ञासा आबि चुकल छै प्राविधिक मित्र के इशारा भऽ रहल छै हेलो जय मधेश जय मधेशी जी मातृभूमि जी अपने के भाई छी राजा झटिया खाद दुकान से लक्ष्मण शाह लक्ष्मण जी अपने के स्वागत है छी जिज्ञासा राखि धन्यवाद जी जी एटा की हम नेता जी की कहब एटा ही सुनै रहल छी अहाँके जी जी वर्षों की गुलामी से अच्छी कुछ समय के लिए क्रांति सही किसी की दास बनने से अच्छी कब्रिस्तान ही सही हम गुलामी पसंद नहीं करवे आजादी के लिए एकता के ताकत चाहिए और एकता विभिन्न पार्टी के मधेशी भाई लागल थे तो हमारा आग्रह के नेता मोर्चा से जे की विभिन्न पार्टी के जे मधेशी जे छे ओकरा ला एकटा टीम बन के आग्रह किया जाए जे मधेश के जे छे उठान के लिए जे छे एकटा शक्ति के रूप में आकर साथ दियो और जे साथ नहीं देते ओकरा साथ जे छे वो आग्रह किया देते आग्रह को नहीं मानते तो लास्ट में जे छे जे करे पड़ते जी हम यह कह की जब तक सारा विभिन्न पार्टी में लागत एक साथ अगर नहीं देते तो मधेशी के कोई उद्धार नहीं भे सकते हमारी लोग की एक कट्टा इनकलाफ लाएगी मैं रहूं या ना रहूं मधेश से मरने वालों की एक बहुत बड़ी सैलाब आएगी लेकिन निश्चित है मधेश के छीने के लिए आगे जब तक मधेशी अपन अधिकार नहीं देते तब तक चैन से नहीं बैठते मधेशी में मधेशी में क्या मधेश को मधेशी ने लुटवाया यारो पहाड़ी को जहाँ कम था मधेश शोषण होते रह गया जहाँ पहाड़ी कम था अपने में जे थे कार जे थे जब तक नहीं निकालबे तब तक कहियो कल्याण मधेशी के नहीं थे यह आग्रह
सारा मजिस्ट्रेट कन्विंस करके जी, जी। एक फोटी बुलावे पड़ते जी। लक्ष्मण जी जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद आई चले थे राजबिराज से हटिया से फोन केने रहे लक्ष्मण शाह जी आइन कर कथन चले जे हम सब आप कदापि गुलामी बर्दाश्त नहीं करब और संगे मधेशवादी जे पार्टी सब छे मधेश केंद्रीय दल सब छे उनका सब के एकेटा झंडा के नीचा में एकताबद्ध भ के संगठित भ के देख चाहि रहल छे की कहबे। धन्यवाद छे लक्ष्मण जी के अहाँ के भावना सिर्फ लक्ष्मण जी के भावना नहीं छे भावना तकरीबन 1 करोड़ मधेशी जनता के छे। हरेक मधेशी जनता में अब यह इच्छा छे मधेश में एकेटा पार्टी बन कर रही राजनीतिक अधिकार लय के लिए एकटा पार्टी सांगठनिक अधिकार लय के लिए एकटा पार्टी और सही बात छे अहाँ के बात के हम सब आदर करे छी और लक्ष्मण जी अहाँ के एकटा खुश खबर सुनबे छी फाल्गुन 23 गते दफ्तरी में जे एमएलए के कारण एटा राज्य द्वारा बड़का नरसंहार कैल गेले हमर अहाँ के भाई भैयारी सब जैमे शहादत दिलखिन हुनके श्रद्धांजलि सभा अर्थात 13 गते 7 अध्यक्ष जे अध्यक्ष तखन उपस्थित रहथिन एकटा अध्यक्ष कारण विशेष चल गेल रहथिन बाकी सभी अध्यक्ष शहीद के फोटो पर फूल चढ़बैत माला चढ़बैत और संगे ई बात व्यक्त कलखिन जे नहि हे जनता अब अहाँ सबके साक्षी रख के हम सब कहे छी जे हम सब एकेटा दल है और दल के लेल प्रयास जारी छे देखियो मूर्त रूप कहिया लै छे जी दल एकता होय के प्रयास जारी छे मुदा एकटा अइ बीच में जे अध्यक्ष महंत ठाकुर जी संगे पत्रकार सम्मेलन में जिज्ञासा राखल गेले ओ कहले जे किछ समस्या भ रहल छे जे एकर पदीय जिम्मेवारी के बात भ रहल छे आखिर मधेशवादी दल सब एना किया होय छे मधेशी सब में पद खातिर हम इएह पद में रहब हम वएह पद में रहब जखन न मधेश विरुद्ध के बात होय छे मधेश के विरोध में जाय के बात होय छे तो प्रमुख 3 दल सब एकजुट भ सके भ जाय छे जेना गौतम के जे हत्या भेलै गौतम जे मारल गेलै तुरते ओकरा जे छै अहाँके शहीद घोषणा कयल गेलै क्षतिपूर्ति देल गेलै पार्टी पार्टीगत हिसाब से जे छै उनका सहयोग कयल गेलै मुदा या सब तरीके के घटना में एखनो शहीद घोषणा नहीं कयल गेल छै 5 टा सपूत के शहादत देबऽ पड़ल छै एहि तरहक अवस्था छै एना किया होइ छै। श्याम सुंदर जी आदरणीय महन ठाकुर जी के हम अनादर नहीं करबै लेकिन मानवीय स्वभाव छै और इस स्वभाव पता नहीं क्या ब्रह्मा जी मधेशिया में कने बेसी देलखिन जी जी इस स्वभाव की छे अहाँ के पद के प्रति आसक्ति लोगों दोसर से ईर्ष्या आत्मोन्नति के लिए बेसी चिंता ऐ सब से कोई पड़े नहीं छे आदरणीय महन ठाकुर जी से पड़े नहीं हेतु ते दुआरे उ पद के चिंता व्यक्त कलखिन स्वाभाविक बात छे लेकिन सद्भावना पार्टी के तरफ से हम आधिकारिक रूप से कहे छी हमर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र महतो जी एकीकृत पार्टी के साधारण सदस्य रहे ला तैयार छथिन हम स्वयं मनीष कुमार सुमन एकीकृत मधेशी पार्टी के साधारण सदस्य रहे तैयार छे ते दुआरे पद के प्रति आसक्ति नहीं रखना पार्टी एकता के लिए एक निक बाट हेत और जबरदस्ती तब कोनो विकल्पे नहीं छे ते दुआरे सही बात छे अहूं के शंका स्वाभाविक छे हमू पार्टी एकीकरण के 2-3 टा अभ्यास में जी हम देखलिए एक बेर तो हम सब सद्भावना तमलोपा और फोरम नेपाल 3 के बीच में एकता के लिए 2-3 महीना काम के लिए अंतिम बाधक हालो में हम सब सद्भावना पार्टी और तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के बीच अहाँ के एकीकृत एकीकरण के लिए बात के लिए अंतिम बाधक वह पद हो सबके लागे छे हम की रहे हमर जिला अध्यक्ष से चिंता रहे जो हमर की हेते हमर क्षेत्रीय अध्यक्ष चिंता रहे हमर की हेते ओहिना हमरो सबके सचिवालय में चिंता रहे जे सह महासचिव रहे हमर की हेते जे उपाध्यक्ष रहे कहे हमर की हेते तो हम सब बड़ा निक फॉर्मूला बनेने रहे पहले अध्यक्ष अहाँ सब तय कर लिया बाकी हमर पार्टी में 2 टा महासचिव छे तमलोपा में 4-5 टा महासचिव छे फोरम नेपाल में अहिना 4 टा महासचिव छे अहिना और पार्टी में 20 टा 25 टा 30 टा 40 टा जते महासचिव हेतु सब महासचिव चलो जी जी एक बेर के लेल एकटा निश्चित अवधि के लेल एकीकृत राष्ट्रकार समिति बनाएल जेते जेकर निश्चित अवधि में महाधिवेशन कैल जेते और महाधिवेशन में कार्यकर्ता जेकरा चुनते वह अध्यक्ष वह महासचिव वह उपाध्यक्ष पदीय अहाँके की कहै छै निरूपण के ई उपाय हम सब सोचने छियै ताहि दुआरे पद के प्रति आसक्ति तो एना कनी मनी सोच रहल शहीद वाला प्रश्न अपने के लिए जी जी काल सुबह हमरा एहि देश के गृहमंत्री आदरणीय बिमलेंद्र निधि जी फोन केने रहती जकरा हमरा डिस्क्लोज करना चाहिए वाले करना चाहिए छलै और काल बिमलेंद्र निधि जी हमरा कहलखिन जे मनीष अहूँ राजविराज में छी और हमरो इच्छा अछि जहिना हम विराटनगर में 10 लाख रुपया ओतय के SSP द्वारा मारल आदमी के देलिए शहीद तक अखन प्रक्रिया में छै तहिना हम राजविराज में सेहो से ऊ परिवार सबके जाकर ओकर सबके द्वारा जे मंत्री परिषद के निर्णय छै 10-10 लाख रुपया के राशि से हम दी तो हम हुनका वएह आग्रह केलिए जे नहि आब अहाँ सब तरी आग मतलब लोग के
स्वागत करे के लेल ऐतिहासिक रूप से बहुत एकटा धनिक छे। जी जी। लेकिन फिर भी आइ हम आग्रह कर जेना एमाले के कहने रहिए नहीं आओ, ओहिना अहूँ के कहने रही नहीं आओ, रहे 10 लाख रुपया तो अहाँ के इच्छा हुआ तो अहाँ अपन सरकार के बहुत संयंत्र छे, CDO छे, गावी से सचिव छे, केकरो हाथ यहाँ पठा सकै छी, अहाँ एहि दुआरे नहीं आओ और आबे के अछि तऽ अहूँ के स्वागत अछि, लेकिन अहाँ तखने आओ जखन हमर उ सभी शहादत दिला के शहीद दर्जा घोषणा कर दियो। शहीद के दर्जा एहि दुआरे नहीं मांगे छी क्या कि 10 लाख टका भेटते, 10 लाख रुपया के लेल आप मधेसी जनता जान नहीं दे रहा छी, हम सब शहीद के दर्जा एहि दुआरे मांगे छी क्या कि कल सप्तरी जिला में बने वाला कोनो भी अस्पताल के नाम ओहि शहीद के नाम से राखि सकी, कोनो सड़क के नाम ओहि शहीद के नाम से राखि सकी, हुनकर सबके सालिक निर्माण कर सकी, हुनका सबके नाम से विश्वविद्यालय या विद्यालय खोल सकी, लोग की इच्छा हेतै तो हुनका नाम से बैंक खोल सकै छी, एहन विभिन्न प्रकार के ताकि हुनकर नाम कालांतर तक अजर अमर रहे, ते दुआरे हम शहीद के दर्जा मांगे छी। तो एक नंबर काम तो शहीद के दर्जा दियो, दोसर नंबर काम अहाँ सब घटना के परात में के मंत्री परिषद बैठक से निर्णय केने रहिए से उच्च स्तरीय न्यायिक समावेशी छानबीन आयोग बनेबे, से अखन तक किया नहीं बनले, मैं तो 15 दिन देने रहिए लेकिन आयोग बनबे नहीं कले तो 15 दिन तक चल गए डस्टबिन में, ते दुआरे ओकरा अविलंब गठन कल जाए दोसर काम। आ तेसर काम तबो अगर आबे के राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर, एकरो सबके टा हेलीकॉप्टर पर लेने आबियो आ तब अहाँ उ राशि जइयो बाँटेला, ये 2-3 टा काम करबै तो आयल जाए, अन्यथा नहीं आयल जाए हमारा आग्रह छै। ते दुआरे हम सब अइयो के लेल प्रयासरत छी, घटना के छानबीन होबे पड़ले श्याम सुंदर जी, शहीद के नाम तो दुर्गानंद झा के ई मुल्क कहियो शहीद घोषणा नहीं कलके, लोग दुर्गानंद झा के घरों वाली काशी देवी झा कन्फ्यूज रहे हमारे घर वाला शहीद भले कि नहीं भले, हम सबके लिए गृह मंत्रालय में पता लगवेला तब पता चले जाओ तो शहीद घोषणे नहीं भेल छै। लक्ष्मी नारायण झा के आज तक शहीद घोषणा नहीं भेल छै। साकेत चंद्र मिश्र के तो अखन तक मृत्यु अहाँ के पता नहीं चलल छै। दिलीप चौधरी के यहाँ छै तो अहाँ के की लागे या? नेपाल सरकार आब एते टा के शक्तिशाली जगह नहीं रह गेलै जे उ कहते शहीद तो शहीद, उ कहते नहीं तो नहीं, हम सब एटा मांग जरूर रखने छियै, लेकिन शहादत दै वाला आनंद शाह, शहादत दै वाला इंदल यादव, शहादत दै वाला संजन मेहता लगात हमर सबके दिल में शहीद के दर्जा लगा बैसल छे, ते द्वारे शहीद से शहादत देने छे कलखन ऐ देश में होय वाला कोनो भी बड़का बड़का इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम उस शहीद सबके नाम से राखकर हुनका अजर अमर राखे के प्रयास कर रहे जी। तो ना दूसर श्रोता से टेलीफोन संपर्क में छथि। हेलो। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, के बाजै छी अपने? श्याम नारायण मंडल कदौली से। श्याम नारायण जी, अपने के स्वागत अछि रेडियो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा में। जी, जिज्ञासा राखल जाए। जी जी का जय मधेश और नमस्कार। जय मधेश श्याम नारायण जी। हमर सर ई कथन दे, सरकार कहे जे जबरदस्ती हम चुनाव गराय रे छाड़ छू, यदि 1 करोड़ मधेसी छी हम सब यदि चुनाव में बूथ पर नहीं जेबे त ई चुनाव के मान्यता हेतै कि नहीं अंतरराष्ट्रीय रूप में, से हमरा कनी जिज्ञासा कर मेटित कयल जाए। जी चलो जी श्याम जी, बहुत नीक प्रश्न, बहुत धन्यवाद अपने के। नहीं हेतै मान्यता, अहाँ के याद है बांग्लादेश में हाले में उत्तर के प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी ओ चुनाव के बहिष्कार कर दिल के, एक महीना तक लगातार आंदोलन कल के और उत्तर के सत्ता पक्षीय पार्टी एक ढंग रूप से ओठाम निर्वाचन कराइए दिल के, एकटा जो प्रमुख प्रतिपक्षी रहे चुनाव में भाग नहीं लल के, लेकिन ओठाम बहुत दलीय व्यवस्था से बहुत दल हेतु अखन तक बांग्लादेश के ओ निर्वाचन के मान्यता नहीं भेटल है। ओकरे जनादेश के अनुसार बेगम खालिदा जिया जबरदस्ती प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैसल छे, लेकिन ओकरा विश्वव्यापी मान्यता नहीं भेटल है। तहिना नेपालो के ए चुनाव के विश्वव्यापी मान्यता नहीं भेटते। नेपाली के संदर्भ में अपने के दृष्टांत देव श्याम जी, हम जी जी। राजा सेहो एक निर्वाचन करेने रहे जेकरा बहुदलीय व्यवस्था के अधिकांश दल खास कर तत्कालीन 7 दल जेकर विरोध केने रहे, बहुत टाइम में बहुते पार्टी सहभागी भेल रहे, मुस्कान पार्टी, शिवसेना पार्टी, कौन कौन पार्टी, लेकिन उ निर्वाचन के बाद में कोई मान्यता नहीं दिल के और निर्वाचन के कनी के दिन बाद खारिज कर दिल गेल रहे। ताहि दुआरे श्याम जी यहाँ ढुक रहू, मधेसिया जे निर्वाचन के बहिष्कार कर देते उ निर्वाचन के पूरी दुनिया में कोई मान्यता नहीं देते। मधेसी बने को अब सद्भावना पार्टी मात्र नहीं छे, मधेसी बने को संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा मात्र नहीं छे, मधेस माने ए मुल्क के एकटा पक्ष छे और सारा दुनिया में हमर वीर 124 शहीद सपूत सबके दान के स्वरूप सारा दुनिया में चिन्हित परिचित स्थापित एकटा समुदाय के नाम से मधेश, जकरा बहिष्कार के अलावा तक बिहा तो मान्य नहीं हेतु, चुनाव कपार वो मान्य नहीं हेतु। जी जी, अपने संविधान संगे जोड़ल बात कहलूँ, वह बात भले आसीन 3 गते जबरदस्ती संविधान लादल गेले, मधेश के जनता सब विरोध में उतरल, बहिष्कार कह दिल के संविधान और अपने सब वही संविधान के कागज के टुकड़ा के अपने सब जरा सेहो दिलिए, हमरा बुझाइए तई हिसाब से अखन धरि मधेशक जनता ओकरा हृदय से स्वीकार नहीं कह सकल छे और जा धरि ओकरा संबोधन नहीं करते, ओहि में संशोधन नहीं करते, ता धरि स्वीकार नहीं करते अपने के कथन। जी जी, मलेट घटना में चर्चा करे छलौं, मलेट घटना में देखल जाए तो एकटा कहि तऽ
जे शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रदर्शन में जे लागल लोक सब रहे जे हाथ में करिया झंडा ला के माथ में करिया पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहल रहे हुनका सब पर जै तरहक दमन कायल गेले ओ बुलेट गोली से ओ फायर भेल छे और नजदीक से लग में कपाड़ में गोली मारल गेल छे जे रिपोर्ट में सेहो आबि गेल छे संजन मेहता के सहित के और जतेक भी मारल गेल ये शहादत भेल ये सबके प्राय डाँड़ से ऊपर गोली लागल छे ककरो छाती में ककरो काँख में एहि तरहक अवस्था छे एना किया भेल हेतै आखिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत छे सब कहि रहल छे मुदा एकर कानून के उपचार की भ सकै छे एकर कार्रवाई की भ सकै छे जे आदेश देलकै या ओहिमे जे संलग्न छे हुनका सबके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कानून के कटघारा में ठाड़ कए सकबै अपने सब के नहीं कए सकबै श्याम सुंदर जी ई घटना के सबसे बड़का कारण त हम देखै छी मनोरोग जी जी मनोरोग माने फरक नस्ल के आदमी के प्रति जे अहाँ के वितृष्णा छे ने राज्य के जी जी ओ एकटा रोग छे बीमारी छे हम देखलिए या प्रहरी प्रशासन में अधिकांश जवान सब जैसे ने लाठी चलवे वाला जवान सब वो कार्यक्रम सुनते थे जी जी वो सब अधिकांश मधेसी नहीं छे फरक नस्ल के छे जी जी हम तो कतो कतो इते देख लिए वह जवान के जब मधेसी रहे ओकरा बंदूक दिल गेले और कल के राजीव राउत के सीना में गोली ठोक कल के हम नहीं ठोकबो आज तक सुने छे कोर्ट मार्शल में तहिना लेकिन पर्वते समुदाय के कोनो साथी के दल के कल के ठोक तो दौड़ के ठोक दल के ई हम देखे छे एकटा मन के रोग छे की मतलब साइकोलॉजिकली बीमारी छे हमू सब आंदोलन में गेलिए जब देखे छे कोई उराई लिंबू मगर नाक थिपचल पर या रहे तो बड मार मारे छे हमरा सब के दांत तोड़ दे छे ओते कोई मदेशी समुदाय के रहे छे तो हंस के सिखबे छे कहे छे जे हो जा जोई दने चल जा हे बीएसपी बड़ी बदमाश छे मारता ई एकटा अहाँ के मनोरोग छे की फरक गोत्र के प्रति एहन प्रकट होना है एकरे गोतक छले मलेट घटना ओहिठाम कोनो कारण नहीं रहे गोली चलबे के बस ओतक के एसपी के ऊ मनोबल ओतक के सीडीओ के अकड़ मान्यता स्थानीय प्रशासन के गलती ए खातिर गोली चले और आदमी मारल गेल आब रहले यहाँ सजाए के बात कहे छी सजाए के हम कानून के बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं छी यद्यपि हम तो ई कहब जी जी एकर सत्य तथ्य छानबीन होना चाहिए इटा संसदीय टोली आपका छानबीन कहियो कलैया मानवाधिकारवादी सब आपका सेहो बहुत छानबीन कलकैया उ राम श्याम मोहन हरि जे नाम रहे प्रहरी जवान के जी जी। जे ट्रिगर पर हाथ रख के दाबल के और गोली निकल ले जकरा बंदूक से ओकरा प्रहरी अनुशासन के नहीं आम जनता जना कर्तव्य जान मुद्दा में रह कर अदालत में ओकरा पर मुद्दा चलल जाए ओकरा फांसी से के सजाए छे कानून में जे नहीं छे यद्यपि आजीवन कारावास और सर्वस्व सहित के सजाए छे उ तो देना चाहिए या नहीं तो राम श्याम मोहन हरि नाम के उ जवान जे गोली चलल के उ कहो जे हमरा दिवस लोहनी हमरा आदेश देने रहे उ कहो जे हमरा फलना सीडीओ आदेश देने रहे आदेश दाता के सेहो कर्तव्य जान के मुद्दा देना चाहिए न्याय तो भेटना चाहिए भेटते एक न एक दिन भेटते जरूर अखन प्रचंड जी प्रधानमंत्री छे कोनो एकटा समुदाय के नेतृत्व करे छे और कथी की कहे छे पाप के ढाक छोप करे छे अखन ने कोई एकटा पर्वते समुदाय के आदमी पुलिस के आईजीपी छे जे अपन प्रहरी जवान के रक्षा कर रहल छे जी जी जीवन में एक न एक दिन हेतै जलिया वाला बाग में अंग्रेज एक दिन सारा हिंदुस्तानी के उ ग्राउंड में बैसा के गोली मार के भून देने रहे एक दिन एकटा कोई जरूर एहन वीर निकल ले जे इंग्लैंड जा के जलिया वाला बाग में गोली चले वाला के गोली ठोक के चले ले और ओकरा ओकरो फांसी दे देने हेतै ब्रिटिश गवर्नमेंट जी जी लेकिन ओकरा प्रति अखनो पूरा के पूरा भारत सम्मान करै छे जी जी तै दुआरे ऊ हत्या नै हेतै बदला के हत्या नै कहल जाइ छै न्याय भेटतै तऽ भेटतै नै भेटतै तऽ कोई न कोई वीर सपूत जरूर पैदा हेतै भविष्य में प्रदेश बनतै देश बनतै अपन अधिकार बनते कानून में हमर सबके हक रहते एक न एक दिन बदला तो जरूर लेबे राम श्याम मोहन नाम के प्रहरी जवान जिंदा रहना चाहिए बस जी समय बहुत कम है तथापि श्रद्धांजलि सभा जे आयोजन भेल रहे मलेट में जेमे जे की अपार जनसागर के सहभागिता रहे ओहि सभा में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र जी एकटा चेतावनी कही सेहो देलकै यऽ जे मधेसी सबके ऊपर में जे हमरा सबके संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा जे शांतिपूर्ण आंदोलन में छे उनका सबके छाती में कपाड़ में गोली दागल जा रहल छे हम सब सहित जा रहल छे तो मधेस के बेटा सबके मधेस के युवा नौजवान सबके कायर नहीं बुझो और जै दिन मधेस के युवा नौजवान जागि जेते तो ओकर जवाब दे ले तैयार भ जेते जै दिन हथियार उठा लेते तो तै दिन जे छे उनका सबके पैर राख के लेल भी समस्या भ सकै छे आखिर ई की संकेत कह रहल छे भविष्य में हथियार भी उठा सकै छे मधेस से उपेन्द्रो सर मानवे छथिन ने जी जी जनता के देखलखिन तो जोश में बजते जी जी हथियार फथियार नहीं उठेबे हम स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के अनुयायी छे
स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के शिष्य छे और गजेंद्र बाबू अहिंसा के राजनीति हमरा सबके सिखा दलके अहिंसात्मक छे अहिंसात्मक रहबे आखिरी अवस्था तक अहिंसात्मक ढंग से लड़बे हाँ जो कोई मारते बड मार मारते तखन प्रतिकार जरूर करबे हथियार तथियार जोश में जनता देखलखिन उपेन्द्र सर के छाते फूल गेले बाज दलखिन यथार्थ एहन नहीं यथार्थ ई जरूर है नौ वर्ष से दस वर्ष से मधेश आंदोलन एकटा चरम पर पहुंच रहा यद्यपि अहाँ के 48 वर्ष से मधेश के बात उठ रहा है सद्भावना परिषद से अखन तक लेकिन अखन आपको हम सब देख रहा छे हमर अपन 27-28 वर्ष से राजनीतिक जीवन काल में सबसे उद्गम समय है 9-10 वर्ष में चेतना बढ़ रही है श्याम सुंदर जी उस चेतना के अगर हम सब सम्मान करी तो हमरा लागे छे अधिकार बहुत नजदीक ई देखल जाए जे 9-10 वर्ष में बहुत ज्यादा जनता नया युवा सब अहाँ के आंदोलनमय भेले या बात के बुझल के या मांग में प्रस्तुति छे एकटा साधारण कार्यकर्ता के सद्भावना पार्टी के बजा के अहाँ एफएम में देखियो ओकर प्रस्तुति जे देखबे ओकरा पूरा ज्ञान छे हमरा की चाहिए और किया चाहिए ते दुआरे हम सब जनता के रूप से प्रशिक्षण के रूप से बहुत ज्यादा के रूप में लिए या चेतना के विकास भेले या रहले अधिकार ओहो नजदीक से भेटते हथियार नहीं उठवा पड़ते उपेन्द्र सर एना कहे जी जी अवश्य एकटा और जे की बहुत जोड़ तोड़ के साथ उठ रहा है खास करके सामाजिक संजाल में सेहो बहस के विषय बने जा रहा है जे शासक वर्ग सब शासक सब मधेश के अधिकार ओना नहीं देते और अंतिम विकल्प के रूप में अलग मधेश बनब के भी बात सब भी उठ रहा है बहस उठ रहा है 2061 साल सावन 10 के जयकृष्ण गोइत जी हथियार उठेने रहे जे स्वतंत्र तराई देश के परिकल्पना केने रहे तकर बाद डॉक्टर सी के राउत जे कि सप्तरीय जिला के ओ जे अलग मधेश देश बनब के परिकल्पना लगे आगू बढ़ रहा है आ हुनका लगभग 4 सप्ताह से बेसी भ चुकले प्रहरी हिरासत में राखल गेल छै एकटा युवा सब के जुनून ओहु दिस आब केंद्रित भ रहल छै अपने की केन लग रहल छै अपन अपन चश्मा होय छै केकरो अपन चश्मा से नजर आबै छै जे ये छरबड़ पैग छै जी केकरो चश्मा में शेरू खान कम पावर दै छै ओकरा लागै छै छोटे छै मनीष कुमार सुमन सैनिक लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा आम मधेशी हम सब जे देखे छे यह अखंड मधेश में अपन अखंड देश में अपन अधिकार खोजे छे हम सब मधेश नाम के एक प्रांत और प्रदेश खोजे छे अलग देश ने खोजे छे राजा शुद्धोधन के संतान छे हम राजा विराट के संतति छे हम सब माता जानकी हमर धरती फार के पैदा भेल रहथिन ते दुआरे हम परदेशी छे ए देश के नहीं छे ई सोचे वाला उ भावनात्मक बात से हम सब सहमत नहीं छे हम सब यह अखंड देश में मधेश खोजै छिए रहले जयकृष्ण जी हथियार उठेलखिन उनको बहिष्करण हम सब देख लेलिए उनका आम जनता हुनकर हथियार राजनीति के साथ नहीं दलके ताहि दुआरे अल्पसंख्यक और छोट मोड़ में छथिन दोसर रहले सिके राव जी के ई आवाज सिके राव जी के ई आवाज एकटा विचार छे हुनकर वैयक्तिक स्वतंत्रता के जे कुंठित कलके सरकार ओकरा विरुद्ध में मनीष सुमन बाजने छे और बाजत रहै छे सीके राउत के उ विचार के प्रस्तुत कर देना चाहिए गोई जी में और सीके राउत में फर्क है गोई जी हथियार लगा ठाई ठाई केलखिन ते द्वारे जनता से तुरंत बहिष्कृत भ गेलखिन गोइत जी सीके राउत जी में एक फर्क है नहीं वो शांतिपूर्ण सभा जुलूस पर्चा पंपलेट जनचेतना के माध्यम से अपन विचार के प्रस्तुति केलखिन ते द्वारे अखन तक वो अवस्थित छथिन लेकिन मांग के प्रति अलग मधेश के मांग के प्रति हम तो सहमत नहीं भ सके छी हम सहमत नहीं छी लेकिन सीके राउत जी के बिना कारण जे अघोषित रूप से एकटा हिरासत में राखने छे या थपका क क ई गलत छे ए के लेल हम सब सरकारों के कत्ता बेर घसघचेने छिए उनका विलंब रिहा कैल जाए उनका पर की त मुद्दा के अदालत में ल जाल जाए अदालत जे टुंगिए दे से टुंगिए ते लेकिन अखनो जे प्रहरी के कस्टडी में मैं थप थप क छथिन हुनकर वैयक्तिक स्वतंत्रता के हनन केने छे हुनकर परिजन सब के साथ जे पकड़ाऊ काल में एकटा दुर्व्यवहार कैल गेले हुनकर जे बोले के जे बोली छे जेकरा रोकल गेल गेल छे ई सब संविधान के कानून के नियम के विपरीत छे मानव अधिकार के रूप में हुनका ई वैयक्तिक प्रस्ताव राखे के और विचार व्यक्त करे के स्वतंत्रता छे से देना चाहिए ई हम सब कहे जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अति व्यस्तता के बावजूद हमरा सब के स्टूडियो देर आबि के समय देलो ते के लेल अपने के धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी।